और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है। विराट कोहली ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैंने पूरी ईमानदारी से प्रदर्शन दिखाया, मैंने किसी परिस्थिति में हार नहीं मानी। अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। T20 वनडे की पहले ही कप्तानी छोड़ चुके थे और अब टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी छोड़ी है विराट कोहली ने। इस वक्त ये बड़ी खबर, टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी अब विराट कोहली ने छोड़ दी है। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी। T20 वनडे की पहले ही कप्तानी छोड़ चुके हैं विराट कोहली। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, पहले ही T20 और की कप्तानी छोड़ चुके हैं विराट कोहली, वनडे की पहली कप्तानी छोड़ चुके हैं और अब टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी छोड़ी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों एक मुद्दा बना था, जिस तरह से विवाद की स्थिति बनी थी, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़ के भी इस फैसले को देखा जा रहा है। लेकिन जहां तक विराट कोहली के करियर की बात करें तो 99 टेस्ट अब तक खेल चुके हैं, करीब 8,000 रन बना चुके हैं, 2 शतक जमा चुके हैं, तो आंकड़े जो है वो एक तरह से उनके लिए उनके पक्ष में है। लेकिन कप्तानी का फैसला, जो छोड़ने का फैसला, देखिए कभी ना कभी ये फैसला लेना ही होता है, क्योंकि और अच्छी बात तब होती है जब कोई खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस में हो, अच्छी खेल रहा हो, उस टाइम अगर वो फैसला लेता है उसकी सराहना भी होती है। विराट कोहली ने अभी किन कारणों से ये फैसला अचानक किया है, क्या जो विवाद था उसके कारण ये सारी चीजें गई है, या उसका क्या मूल कारण रहा, ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये बड़ा फैसला है और जिस तरह से पिछले दिनों एक विवाद की स्थिति भी हुई थी, उसके बाद ये लगा था कि विराट कोहली इस बारे में फैसला करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने भावुक जो पोस्ट लिखी है अपनी कप्तानी छोड़ने के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर, जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो उसको लेके अभी और भी रिएक्शन आएंगे। लेकिन खास बात जो है, T20 जो है फॉर्मेट, उसमें उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वनडे की कप्तानी से उन्हें हटाया गया था, और अब उन्होंने जो टेस्ट की जो कमान है वो किसी अन्य के हाथों में देने का विकल्प BCCI को दिया है, चयनकर्ताओं को दिया है। तो सबसे जो लंबा फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, उसकी कप्तानी अब उन्होंने छोड़ दी है। तो खासकर जिस तरह से उन्होंने जो अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी उनके खिलाफ कई तरह के टिप्पणी आई थी, तो इन सबको देख के कहा जा सकता है कि फैसला लिया होगा। लेकिन 7 तक भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी करना अपने आप में एक शानदार सफर होता है, और इस कप्तानी के दौरान उन्होंने कई तरह से जो टीम को जीत भी दिलाई है, बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है, और जिस तरह से उनके नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया वो भी अपने आप में चीज को लेके याद रखा जाएगा। लेकिन अब यही है जो हकीकत कि अब T20 वनडे और अब टेस्ट, यहाँ से अब कप्तानी के रूप में जो विराट कोहली की पारी है वो खत्म हो गई है। अब नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, BCCI को नए कप्तान को चुनना होगा, और आगे किस तरह से, खास बात यह है कि अब किस तरह से आगे टीम इंडिया के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए किस खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जाए, ताकि जो एक इतिहास रहा है भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन का, वो आगे भी उसी तरह का परफॉर्मेंस आगे बरकरार रहे, आगे उसी तरह का जो टीम प्रदर्शन करे, चाहे वो घरेलू सीरीज हो या फिर विदेशी धरती पे। तो इन तमाम चीजों को देख के अब BCCI को बिल्कुल नरेश, लेकिन वजह सामने नहीं आई। नरेश, ट्वीट कर जानकारी यहाँ पर विराट कोहली देते हैं और ट्वीट BCCI ने भी किया है, कहना भी उनका ये कि टीम को ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम योगदान विराट कोहली का रहा है, वो सफलतम कप्तान रहे हैं, शुभकामनाएं उनको दी। लेकिन वजह क्या है, वजह सामने नहीं आ रही कि अचानक से विराट कोहली के इस फैसले के पीछे, क्या पहले उन्होंने कुछ इंडिकेट किया था, कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन दिया था कि वो छोड़ सकते हैं, या फिर ये सडन ही है?
देखिए जैसे मैंने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह का विवाद हुआ था, रोहित शर्मा को लेकर बात चली थी, फिर विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जो वनडे टीम की कप्तानी हटाने को लेकर उससे अपनी बात रखी थी, तो कहीं ना कहीं उन चीज को देख के भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं अब वो उसी चीज का रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो रहा है, उसको जिससे मैच हाथ से निकला था, तो इन तमाम चीजों को लेके जो ये कहा जा सकता है कि जो प्रशंसक है उनके भी निशाने पे थे, और साथ में शायद उनको लगा होगा कि अब ये सही वक्त है जब कमान जो है वो किसी दूसरे के हाथ में जाए, क्योंकि जिस तरह से उनको वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था, तो हो सकता है विराट नहीं चाहते हो कि टेस्ट में भी उसी तरह जी जी। शुक्रिया नरेश आपका इस पूरे बातचीत के लिए। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, क्रिकेट के से करीब से आप भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम विराट कोहली की बात करें, सफल कप्तान रहे हैं, ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया अपने फैंस को कि वो संन्यास ले रहे हैं, कप्तानी छोड़ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की, यानी कप्तानी छोड़ने की बात उन्होंने जो कही, कैसे आप देखते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फैसले की वजह हो सकती है? देखिए छोटा कि विराट कोहली का टेस्ट की भी कप्तानी छोड़ देने का जो फैसला है वो भारतीय क्रिकेट के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विश्लेषण और वो सब अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं, लेकिन मेरा एज ए खेल प्रेमी, एज ए खेल पत्रकार, एक खेल विश्लेषक के तौर पर अगर आप मानेंगे तो विराट कोहली का जो है कप्तानी छोड़ना कोई शुभ संकेत इसलिए नहीं है कि हम जो टेस्ट क्रिकेट है उसके पायदान में अब हम पीछे खिसक गए हैं, और विराट कोहली ने जो पिछले दिनों भारतीय टीम को एक ऊंचाई दी, भारतीय टीम का जो टेस्ट क्रिकेट में मान बढ़ाया, जो T20 में मान बढ़ाया, जो वनडे में मान बढ़ाया, वो नए कप्तान को उसको जारी रखना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई एक, हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक जो है वो व्यक्ति नाव को खे रहा है तो उसको पता है कि नाव को जब खेते हैं, नाव को जब चलाते हैं तो कितना बैलेंस कहाँ रखना पड़ता है, नाव को किस गति से लेके चलना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो 130 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, जिस देश के अंदर धर्म क्रिकेट हो, जिस देश के अंदर जो क्रिकेट खिलाड़ी यानी कि सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा हो, तो उस देश के अंदर अगर क्रिकेट में कोई भी ऊंच नीच होती है तो सीधा सीधा जो प्रभाव है उस देश की जनता पर पड़ता है, और उस देश के जो खेल प्रेमी उन पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय टीम में विराट कोहली के अलावा और कोई दूसरे ऐसे प्लेयर नहीं है जो भारतीय टीम को ऊंचाई से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन इस दौर में कि जब हम साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट सीरीज को हम हारे, जब हमने 1-0 की बढ़त ले ली, उसके बाद लगातार हम 2 टेस्ट मैच हारे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी है, जो दुनिया भर के अंदर भारतीय जो क्रिकेट के जो लवर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सेटबैक लगा, एक उनको धक्का लगा, और ऐसे में विराट कोहली का अब टेस्ट क्रिकेट से भी कप्तानी छोड़ देना उनको और ज्यादा निराश करेगा। अब जो भी नया कप्तान बनेगा, बीसीसीआई जो है वो डिसाइड करेगी कि जो रोहित शर्मा बनेंगे या आदित्य रहाणे बनेंगे, तो किसको जो है वो टेस्ट की कप्तानी देते हैं, तो जो भी व्यक्ति आएगा उस पर दोहरा दबाव इसलिए रहेगा कि आने वाली सीरीज के अंदर ना सिर्फ वो भारत को जो है वो सीरीज जितवाए, और जो पिछले दिनों जो साउथ अफ्रीका से जो हार मिली उसकी जो भरपाई है उसको करे, और विराट कोहली ने जो एक मोमेंटम बना रखा था, जिस तरह से सौरव गांगुली ने एक ऐसा जीत का एक सिलसिला चालू किया, एक ऐसा विजय रथ चालू किया कि जो काफी दूरी तक गया और भारतीय क्रिकेट में एक नया मुकाम हासिल किया, तो जिस तरह से महेंद्र धोनी और आपके सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को ऊंचाई पे ले गए, उसी तरह से विराट कोहली ने भी उसमें कोई कमी नहीं रखी। तो अब आने वाले कप्तान के ऊपर बेहद
जो है वो दबाव होगा कि वो दबाव में ना सिर्फ खुद अच्छा परफॉर्म करे बल्कि जो है वो टीम को भी ऊंचाइयों पे ले जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली अकेले ऐसे प्लेयर है कि जिन्होंने अच्छे जो है फॉर्म में चलते हुए जो टीम की कप्तानी छोड़ी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कुछ ऐसे सरीके खिलाड़ी हैं कि जो अच्छा खेल रहे थे, टीम अच्छा कर रही थी, और लेकिन एक दो सीरीज के अंदर हार के बाद कुछ ऐसा दबाव बना। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूं तो मुझे पता है कि जब भी कुछ इस तरह के, जैसा आपने मेरे से पूछा कि क्या कारण हो सकता है, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट का जो थर्मामीटर होता है कि जो उसका टेम्परेचर मापता है क्रिकेट टीम का, वो होता है ड्रेसिंग रूम। तो पिछले दिनों जो लगातार खबरें आ रही थी कि ड्रेसिंग रूम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हालांकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम कहीं ना कहीं भारतीय टीम का बटा हुआ जरूर रहा होगा। इसीलिए शायद विराट कोहली ने एक इतना जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो कदम उठाया। बिल्कुल, अब ये कदम, बिल्कुल सुधांशु जी, ये कदम विराट कोहली ने उठाया है, और अब देखना होगा कि आखिर कप्तानी संभालता कौन है। हालांकि अहम बात आपने कही कि दबाव रहेगा, प्रेशर उन पर रहेगा, इस मोमेंटम को बरकरार रखना। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।